हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4 नंबर सिस्टम का। तो भैया, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर के बारे में बताया था, इरेशनल नंबर पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे अपने लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट सीखे थे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट लेक्चर नंबर 4 में, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसको पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग देखने वाले हैं भैया लेक्चर नंबर 4 में कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का। किसका कॉन्सेप्ट देखेंगे? यूनिट डिजिट का। तो भैया, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे आपको कोई नंबर दिया हुआ है, मान लीजिए दिया है 237 की पावर 1, आपसे पूछेगा आप बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बताएंगे अगर इसकी पावर 1 है तो 237 यानी इसका यूनिट डिजिट ये होगा। यूनिट डिजिट का मतलब लास्ट नंबर जो डिजिट का होगा वो क्या होगा, तो 7 होगा भाई। तो अगर लेकिन यहाँ पे 1 है तो आपने इजीली बता दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे हो जाता 237 की पावर 12, अब अगर आपसे पूछता बताइए भैया जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप कैसे बताते हैं, कैसे बताते भाई, इसको 12 बार मल्टीप्लाई करते, इतना लंबा सा सवाल बनता, तब जाके कहीं आप उसको बता पाते कि यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या है मल्टीप्लाई करके। कम से कम 15-20 मिनट आपका ले जाता बड़े आराम से। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट भी है तब भी आपका 10 मिनट तो लमसम ये ले ही जाता। तो यहाँ पे इसी 10 मिनट को बचाने के लिए ना मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिफरेंट डिफरेंट ट्रिक्स। तो देखिएगा भैया, अगर कोई नंबर हो, मान लीजिए यहाँ पे यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट में इसी वजह से मैं लेके आया हूँ यहाँ पर आपके लिए क्या एक बढ़िया सी ट्रिक। तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ हो, ठीक है, अगर कोई नंबर आपको दिया है उसकी पावर n है, ठीक है, उसकी पावर n है, तो अगर आपको फाइंड करना हो यूनिट डिजिट, फाइंड करना हो यूनिट डिजिट, तो आप क्या करेंगे भैया, फर्स्ट रूल क्या है इसमें, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है, फर्स्ट रूल आप लोग बढ़िया से आप लोग कॉपी पर लेके बैठिए आराम से, ठीक है, बेहतरीन इसको नोट करिए, अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 है और उसकी पावर n हो जाती है, उसकी पावर कितनी हो जाती है भाई, n हो जाती है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि इसका हम लोग अगर n पावर तक क्या निकाले, एक्सप्रेशन करें, तो इसके जो नंबर आएगा, जो नंबर हमारा आएगा उसके लास्ट डिजिट क्या होगी, यानी लास्ट यूनिट डिजिट क्या होगी, तो हम बोलेंगे उसकी यूनिट डिजिट 0 ही रहेगी। ये रूल है भैया, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ में बढ़िया से आएगा, ठीक, उसकी यूनिट डिजिट क्या रहेगी, अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट की बात करूँ तो उसकी यूनिट डिजिट 0 ही हो जाएगी, ठीक। अगर मैं सेकंड बात करूँ कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है और उसकी पावर कुछ भी हो ना, समथिंग कुछ भी हो, ठीक है, तो उसका जो आंसर यूनिट डिजिट आएगा ना वो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा, वो कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर मान लीजिए किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ जाता है ना, किसी भी नंबर के लास्ट में क्या आ जाता है, 5 आ जाता है, ठीक है, तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 5 आता है तब देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोग 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 करेंगे तो 25 आएगा, और 5 की पावर 3 करेंगे ना बच्चों तो कितना आएगा, 5 5 25 125 आएगा, अगर 5 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना, 5 की पावर 1 तो 525, यानी इसकी लास्ट जो यूनिट डिजिट है ना कितनी भी पावर कर ले चेंज नहीं होने वाली, ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 5 आ रहा है उसकी कितनी भी पावर हो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी ना भाई लोग वो कितनी होगी, 5 ही रहेगी, ठीक। अगर मैं इसी तरीके से बात कर लूँ 6 की, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 6 आता है तो 6 का भी कॉन्सेप्ट देख लेते हैं भैया, अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे 6 की पावर 1 तो आएगा 6, 6 की पावर 2 तो आएगा 36, 6 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 216। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसकी लास्ट डिजिट चेंज नहीं हो रही है, यानी अगर हम लोग किसी भी नंबर के लास्ट में 6 आता है, सिंपल से याद रखिए, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो इनकी यूनिट डिजिट भैया सेम ही रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं, ठीक है, इनकी यूनिट डिजिट क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। 0 आएगा तो 0 ही यूनिट डिजिट कितनी भी पावर कर लें हम लोग, 1 आएगा तो 1 ही रहेगा, 5 आएगा तो 5 ही रहेगा, और 6 आएगा तो 6 ही रहेगा। ये हैं हमारे इन नंबर्स के लिए रूल जिनके लास्ट में 0, 1, 5 और 6 आता है, उनके लिए जितनी भी पावर हो नंबर में
उनके लिए जो यूनिट डिजिट होगी वो भैया 0156 ही होगी, यानी इसमें नो चेंज होगा। क्या होगा भैया? नो चेंज, कोई भी बदलाव, कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है यहाँ पे। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं उन नंबर्स के बारे में जिनको मैंने यहाँ पे डिनोट नहीं किया। हमने कौन से नंबर को यहाँ पे डिनोट नहीं किया है? 4 को नहीं किया है, ठीक है, 3 को नहीं किया है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे नंबर 4 के बारे में कॉन्सेप्ट, अभी एक एक करके सारे सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग फटाक से कॉपी पे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके मैं इसको रफ करता हूँ फटाक से, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 4 का कॉन्सेप्ट, और 4 के साथ साथ एक नंबर हम लोग और ले लेते हैं, 4 और 9 का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इन दोनों के कॉन्सेप्ट कुछ सिमिलर है, तभी मैंने इनको एक साथ लिया। देखिए कैसे 4 और 9 कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग यूनिट डिजिट, ठीक है। यहाँ पे 4 और 9 का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो भैया अगर कोई नंबर हमको दिया हुआ हो उसके लास्ट में 4 हो, अगर कोई नंबर हमको दिया हुआ हो उसके लास्ट में 4 हो, उसकी पावर कुछ भी हो, हमसे पूछ रहा है उसका यूनिट डिजिट बताइए, तो कैसे बताएंगे भैया यूनिट डिजिट? देखिए कैसे हम लोग बताएंगे। तो अगर भैया यहाँ पे 4 का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, अगर 4 की पावर 1 है तो आंसर आता है 4, 4 की पावर 2 है तो आंसर आता है 16, 4 की पावर 3 है तो आंसर आता है 64, और 4 की पावर 4 है तो आंसर क्या आएगा भैया, जल्दी से बताइए, 64 × 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 16, 1 × 4 = 216, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 216, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए अगर नहीं देख पा रहे तो मैं ध्यान से दिखाता हूँ, यहाँ पे इनकी पावर पे ध्यान दीजिए, इनकी पावर पे ध्यान दीजिए, जब इनकी पावर ऑड है 1, 3, ये क्या है, इनकी ऑड पावर है। जब इसकी पावर यानी 4 की पावर ऑड है तो जो नंबर आ रहा है ना वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी लास्ट डिजिट में जो नंबर आ रहा है वो कितना आ रहा है भैया, 4 आ रहा है। और जब इसकी पावर इवन हो जाती है, जब इसकी पावर क्या हो जाती है, इवन हो जाती है, तो लास्ट डिजिट जो आ रही है ना यूनिट वो कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है। बस यही है भाई लोग 4 का कॉन्सेप्ट, अच्छे से ध्यान रख लीजिए कि अगर किसी नंबर की पावर इवन हो जाती है, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है और उसकी पावर इवन है तो उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमेशा 4 आएगी। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में, सॉरी गड़बड़ बोल दिया क्या मैंने, देखिए हमने फिर से आप लोग सुन लीजिए, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है उसकी और उसकी पावर क्या है, ऑड है, उसकी पावर ऑड है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसकी लास्ट यूनिट डिजिट जो आएगी वो 4 आएगी, इफ पावर, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4, इफ पावर इज ऑड, पावर क्या रहेगी, ऑड रहेगी। और दूसरा रूल क्या है इसी 4 के कॉन्सेप्ट में, अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 है और उसकी पावर हो जाती है भाई लोग इवन, क्या हो जाती है, इवन, तो उसका जो आंसर आता है वो आ जाता है 6, उसकी जो यूनिट डिजिट आती है वो आती है 6, अगर इवन पावर है तो 6, अगर ऑड पावर है तो 4, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक। सेम है यही तरीके का कॉन्सेप्ट हमारा 9 का, तो 9 का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। अगर किसी नंबर के लास्ट में 9 आ जाता है ना भाई लोग, और उसकी पावर हो जाती है n, कितनी हो जाती है n, तो यहाँ पे हमको देखना है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 9 आ जाता है और उसकी पावर हो जाती है n, तो हमको यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि इस नंबर को एक्सपेक्ट करने पर यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यहाँ पर भी एक ट्रिक देख लेते हैं, या 9 का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, अगर 9 की पावर 1 करते हैं ना भाई लोग तो आती है 9, 9 की पावर 2 करते हैं ना भाई लोग तो आता है 81, और 9 की पावर 3 कर देते हैं ना भाई लोग तो आ जाता है 729। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे फिर से एक यही कॉन्सेप्ट जो कि 4 के कॉन्सेप्ट में लगा है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे मैंने 4 और 9 को लिया एक साथ, क्योंकि इन दोनों का कॉन्सेप्ट सिमिलर है, बस चेंजेस क्या है, अगर पावर ऑड होगी तो 9 आएगा, अगर पावर इवन हो गई तो 1 आ जाएगा, ठीक। क्या है, अगर पावर ऑड होगी तो 9, पावर इवन होगी तो भैया 1 आ जाएगा। जैसे सेम हेयर कॉन्सेप्ट 4 में था कि अगर पावर इवन हुई तो 4, ऑड हुई तो 6 आएगा, सॉरी पावर ऑड हुई तो 4, इवन हुई तो 6 आएगा, उसी तरीके से पावर ऑड हुई 9 के केस में तो 9 आएगा, पावर इवन हो गई तो 1 आ जाएगा, ठीक। सेम हेयर कॉन्सेप्ट इसमें भी है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को फटाक से नोट कीजिए और अपनी लैंग्वेज में जो मैंने बताया वो फटाक से लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। जितना भी मैंने बताया है
अपना कॉपी में लिख लीजिए कि भैया अगर 9 के केस में किसी नंबर के लास्ट में 9 आता है, उसकी पावर इवन है, उसकी पावर इवन है तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो 1 होगी। अगर किसी नंबर के लास्ट में 9 आता है, उसकी पावर क्या है, ऑड है, तो हमेशा 9 ही यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, तो ये हो गया 4 और 9 का कॉन्सेप्ट। अब बचा भैया 3 बचा, और कौन सा नंबर बचा? 7 बचा, और कौन सा बचा? जल्दी बोलिए 7 बचा, 8 बचा, और क्या बचा? 2 बचा। अब इन चारों नंबर्स के कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है यूनिट डिजिट फाइंड करने के। ठीक है, तो आप लोग फटाक से इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया, चलिए रफ करते हैं। नहीं नोट हुआ तो वीडियो को पॉज करिए, फटाक से नोट करिए और प्ले करके देखिए। चलिए, इतना काम हो गया। अब देखते हैं 3, 7 और 8, 2 का कॉन्सेप्ट, यानी 2, 3, 7, 8 का कॉन्सेप्ट फॉर फाइंडिंग यूनिट डिजिट, फॉर फाइंडिंग यूनिट डिजिट मेरे भाई लोग। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं इनकी विपरीत। यहाँ पे अब हम कुछ पावर्स लिखने वाले हैं, यहाँ पे यहाँ पे कौन कौन सा नंबर 7 का करना था, यहाँ 4 का मैंने लिख दिया। 4 का कॉन्सेप्ट तो आप लोग देख चुके हैं ना। ठीक है, ये रहेगा, और यहाँ पे और क्या रहेगा? 8। इनकी कुछ पावर फटाक से आप लोग निकालिए अपनी कॉपी पे, फटाफट से निकालिए, मैं इधर लिख भी रहा हूँ, जल्दी से निकालिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 2 की पावर 1 तो 2, 2 की पावर 2 तो 4, 2 की पावर 3 तो कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16। 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 दुनी 32। समझ गए ना, ये हो गई 3 एकम 3, 3 3 जा 9, और यहाँ हो जाएगा 27। यहाँ पे कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए भैया, काउंट करके जल्दी से करते रहिए। यहाँ पे हो जाएगा 81। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 27, 81, यानी देखो 3 3 9 3 3 9 3 27 3 9 3 27 81। और अगर 5 बार हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81 × 3 3 1 जा 3, और 3 8 3 24, 243 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह 7 1 जा 7 7 7 49, और 49 का फिर से 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? जल्दी बताइए, 1029, इतना ही आएगा ना। मैंने कुछ निकाल के रखे हुए हैं अपनी कॉपी में, तो मैं फटाक से लिख देता हूँ, आप लोग जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताइए। नहीं, यहाँ पे 3 बार करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 343। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 2401। ठीक है, मैं फटाक से डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इतना हो जाएगा। ठीक, ये हमारे कुछ पावर्स हैं। अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ 8 की पावर, ठीक है, तो 8 की पावर भी मैंने लिख रखी है, 8 1 जा 1 64। यहाँ पे हो जाएगा 512, 3 बार करेंगे तो, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 4096, ये 0 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 32768। ये हमारे हमने क्या किया, कुछ पावर लिखी हुई है। ठीक, अब यहाँ पे भैया 248 का कॉन्सेप्ट देखते हैं यूनिट डिजिट फाइंड करने का। तो सिंपल आप लोग देखिएगा, अगर यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 है तो आंसर आता है, 2 2 की पावर 2 है तो आंसर आता है, 4 2 की पावर 3 है तो आंसर आता है, 8 2 की पावर 4 है तो आंसर आता है, 16 2 की पावर 5 है तो आंसर आता है 32। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा, हर पावर में नंबर बढ़ रहा है, आते ही जा रहा है, मतलब डिफरेंट नंबर आ रहे हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे भाई, अब तो चेंज हो गया ना, यहाँ पे 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 9 27 81 2 443, यहाँ 7 49 343, तो यहाँ 2407 16807। यहाँ पे करेंगे 8 1 जा 8 8 8 जा 64, फिर 512 4096। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 32768। तो भैया यहाँ पे हर नंबर अलग अलग आ रहा है, तो अब किस तरह फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं देख पा रहे, मैं दिखाता हूँ।
देखिए, जब पावर वन है तो आंसर टू, पावर टू है तो आंसर फोर, पावर थ्री है तो आंसर एट, पावर फाइव है तो आंसर सिक्सटीन, पावर फाइव है तो आंसर थर्टी टू। लेकिन थर्टी टू में आपने क्या देखा, यहाँ पे डिजिट रिपीट कर गई, यहाँ पे डिजिट क्या हुई, रिपीट कर गई, यानी हर फोर्थ पावर के बाद आप यहाँ सब नंबर में, हर नंबर में देख पा रहे होंगे, जब हम जहाँ पे मैंने पावर निकाली है थ्री में, टू में, सेवन में, एट में, सब में आप देख पा रहे होंगे हर फोर पावर के बाद जो यूनिट डिजिट है वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। देखिए पांचवी पावर पे यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ रही है, यहाँ टू आ रही, थ्री आ रही, सेवन आ रही, एट आ रही, यानी रिपीट कर रही है हर फोर पावर के बाद। तो यहाँ पे यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से मैं क्वेश्चन में इन्वॉल्व करता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, इससे आपको एकदम क्लियरिटी से ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये पावर फटाक से लिख लीजिए ना अपनी कॉपी में। चलिए बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको गिवन है 627 की पावर 49, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, 627 की पावर 49 आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा है इसमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब भैया कैसे फाइंड करेंगे इसमें यूनिट डिजिट, तो भैया आपको देखना है कहीं इस नंबर के लास्ट में ये सारे नंबर तो नहीं आ रहे, फोर के फोर हटाइए, फोर का अलग कॉन्सेप्ट है, पहले हम इन नंबर के, तो भैया इन नंबर के लास्ट में क्या आ रहा है, 3782 जिनका कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इसके लास्ट में 7 आ गया, और 7 की पावर कुछ भी हो, 7 की पावर कुछ भी हो, उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि 7 में क्या होता है, हर फोर्थ पावर के बाद, हर फोर्थ पावर के बाद ये नंबर रिपीट करेगा अपनी यूनिट डिजिट में, नहीं समझे, हर फोर्थ पावर के बाद, अभी हमने देखा था ना फोर्थ पावर के बाद जैसे पांचवी पावर आई सेवन्थ में रिपीट कर गया ये नंबर। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे ही आपको ये चारों नंबर में मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको हो और लास्ट डिजिट में कहीं ये चारों नंबर दिख जाए तो आप सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, उठाएंगे ये पावर, क्या करेंगे, उठाएंगे ये पावर और आँख बंद करके इसको चार से ऐसे डिवाइड कर देंगे, कैसे, चार से डिवाइड कर देंगे इसकी पावर को, और जैसे इसकी पावर को डिवाइड करेंगे चार से तो यहाँ आ जाएगा कितना, फोर वन जा फोर पूरा कर गया, यहाँ उतना नाइन, तो फोर टू जा एट, रिमाइंडर कितना बच गया एट, और रिमाइंडर बच गया यहाँ पे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर बचा वन, अगर वन रिमाइंडर बच गया ना तो इस रिमाइंडर का आप क्या काम होगा भैया, इस रिमाइंडर का रोल है यहाँ पे, इस रिमाइंडर का काम क्या होगा, जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर बचा बचेगा उसको इसकी पावर पे चढ़ा देना है, उसको क्या करना है, इसकी पावर पे चढ़ा देना है, ठीक है, हमारा आंसर निकल आएगा, सिंपल सा एकदम। तो मैंने क्या किया भैया, सिंपल सा फिर से सुन लो, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 3782 आता है उसकी पावर कुछ भी हो, ठीक है, अगर हमसे यूनिट डिजिट पूछ लिया, अगर हमसे यूनिट डिजिट पूछ लिया है तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, उसकी पावर को उठाएंगे चार से डिवाइड कर देंगे, चार से ही क्यों डिवाइड करेंगे, चार से इस वजह से डिवाइड करेंगे क्योंकि हर फोर्थ पावर के बाद, इनके कॉन्सेप्ट में हर फोर्थ पावर के बाद ये डिजिट रिपीट कर रही थी, इस वजह से हम फोर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो फोर से डिवाइड करने पर अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो उस रिमाइंडर को उस नंबर की पावर पे चढ़ा देंगे, तो हमने क्या किया, उस रिमाइंडर को उस नंबर की पावर पे चढ़ा दिया, तो पावर पर चढ़ा दिया वन। अब 627 की पावर भाई लोग करेंगे ना तो आएगा 627, और 27 में ये जो लास्ट वाली डिजिट है ये क्या है, 7 है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी, यानी ये जो नंबर है इसके अगर हम लोग 49 बार पावर खोलेंगे ना तो जो यूनिट डिजिट आएगी वो 7 ही आएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना तो आप लोग इसको आराम से करिए, आपके पास बढ़िया समय है, लॉकडाउन भी चल रहा है, आराम से कॉपी पेन लीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए 49 बार, क्योंकि भैया हमको तो ट्रिक पता है, ट्रिक लगाएंगे, ठीक। यहाँ पर आप क्या करना है, आपको भैया आराम से कॉपी लीजिए, आराम से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका यही आने वाला है, ठीक है। तो भैया पेपर में हमको क्या करना है, कम समय में काम करना है ना, अगर आप इस तरीके से ब्रॉडली करेंगे खूब बड़ा सा सवाल बनेगा, ठीक है, तो उसको बड़ा सा ना बना के हमको क्या करना है, छोटे में कम टाइम में सॉल्व करना है, इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं ये सारी ट्रिकें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया भैया कि यहाँ पर आंसर यूनिट डिजिट क्या आएगी, 7 आएगी, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं और क्लियरिटी आएगी आप लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू हमको दिया हुआ है 623 की पावर 52, ये आपको दिया है 623 की पावर 52 दिया हुआ है। इसमें भी आपसे पूछ लिया है फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड
यूनिट डिजिट, आपसे फिर इसमें यूनिट डिजिट पूछा है, आपने फिर से देखा कि इसमें लास्ट में क्या है, थ्री है, जो कि इस नंबर में आ रहा है, थ्री का कॉन्सेप्ट सेम है सेवन के कॉन्सेप्ट की तरह, तो हम क्या करेंगे फिर से भैया इसकी पावर को उठाएंगे और फोर से क्या कर देंगे डिवाइड, तो फोर से डिवाइड करेंगे तो ये 13 बार में पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। अब भैया आपने तो, आप बोलेंगे सर आपने तो बोला था कि रिमाइंडर बचेगा तो उसको इसकी पावर पे चढ़ा देना, यहाँ तो रिमाइंडर ही नहीं बचा, अब हम क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ हम देखेंगे, तो यहाँ अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर बचता है तो उसको उस नंबर की पावर पे चढ़ा देंगे, हमारा काम आसान हो गया, लेकिन अगर रिमाइंडर नहीं बचा तब हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए भी रूल है। तो अगर रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचता है, जीरो आ जाता है, तो हम क्या करेंगे उस नंबर की पोर्ट तक के पावर खोल लेंगे, उस नंबर की चार तक के पावर खोल लेंगे, जो नंबर आएगा उसकी जो लास्ट डिजिट होगी वही हमारी यूनिट डिजिट इस एक्सप्रेशन की हो, समझे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका खोलेंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या आएगा, अगर थ्री का चार बार यूनिट डिजिट खोलते हैं तो कितना आता है, 81 आता है, 81 में क्या होगा, 81 में जो हमारा होगा वो क्या होगा, 1 यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा ना भाई लोग इस एक्सप्रेशन का, वो 1 ही आंसर आ जाएगा, समझ गए आप लोग, क्या समझे, इसका आंसर, इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी इस एक्सप्रेशन की वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यानी अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो उसकी फोर्थ पावर खोल लेंगे, जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, वही इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट होगी। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम करते हैं इसी यूनिट डिजिट पे बेस्ड कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं, तो भैया आप इसको फटाक से नोट कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। आपसे बोला फाइंड द यूनिट डिजिट इन दीज एक्सप्रेशन। अब देखिए इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ, बता रहा है इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी भाई लोग। तो सिंपल सा तरीका भैया, हमने आपको ट्रिक बताई है ना, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और इस वीडियो में आपकी एक्सरसाइज 1.2 में कंप्लीट करा के जाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। तो ये एक्सप्रेशन आप पहले देखिए, ये एक्सप्रेशन जितना बड़ा देखने में लग रहा है ना, है भी उतना ही बड़ा, लेकिन इसको मुझे छोटे में भी सॉल्व करना आता है भाई, ट्रिक है ना हमारे पास। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही वाली ट्रिक अपनाएंगे, इसके लास्ट में क्या है, सेवन, सेवन वाला मैंने पढ़ा है ना केस, इसको क्या करेंगे फोर से डिवाइड करेंगे, तुरंत इसकी पावर को उठाएंगे और फोर से कर देंगे डिवाइड, तो हो जाएगा फोर 3 जा 12, 2 आया, ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 4 जा 24 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 4 4 12, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 4 5 20, कितना रिमाइंडर बचा, 3 बचा, कितना रिमाइंडर बचा, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हुआ है क्या कुछ, देखो हाँ तुरंत इसकी पावर देखने क्या है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, हाँ यहाँ पे 143 नहीं है, यहाँ पे 413, ठीक है, हाँ ये है पावर, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अब यहाँ देखिए क्या है, ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे तुरंत इसकी पावर उठाएंगे, तुरंत हमने क्या किया, इसकी पावर उठाया और पावर को कर दिया किससे डिवाइड भैया, 4 से डिवाइड, पावर को हमने किया तुरंत ही 4 से डिवाइड, और जैसे ही हमने 4 से डिवाइड किया वैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे गया 4 1 जा 4, कुछ नहीं बचा, 1 उतारा, फिर यहाँ 0 लगाया, 3 उतारा, 4 3 जा 12, ठीक है, ये हो गया, तो कितना रिमाइंडर बचा, 1 रिमाइंडर बचा। अब हमने बचाया, बताया था जितना रिमाइंडर बचेगा उसको इसकी पावर पे चढ़ा देंगे, तो इसकी पावर पे जैसे चढ़ाएंगे तो 217 की पावर 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 7, ठीक है, याद यूनिट डिजिट आ गई 7। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पर 9 का केस है, 9 पे मैंने बताया था अगर ऑड पावर है तो 9 आएगा, इवन पावर है तो 1 आ जाएगा, यहाँ पावर कितनी है ऑड, 4 547 पावर है, यानी ऑड पावर है, तो यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगी वो 9 ही आ जाएगी, इंटू 4 के केस में मैंने क्या बताया था, इवन पावर तो 6, ऑड पावर तो 4, तो यहाँ इवन पावर है तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 6 आ जाएगा, इंटू यहाँ पे 2 के केस में मैं फिर से क्या करूँगा, इसकी पावर को उठाऊँगा, 4 से डिवाइड करूँगा, तो 4 2 का 8 गया, 1 उतारा, 2 0 लगाया, ठीक है, दो नंबर एक साथ उतारते हैं तो 0 लगाते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ तो पता होगी, 3 बार में जाएगा, यानी रिमाइंडर बच गया 0, इसकी 4 पावर खोलेंगे ना जब अपन लोग, इसकी 4 पावर जब हम लोग खोलेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 4 2 8, ठीक है, इसकी 4 पावर खोलो भैया, मैंने क्या बताया था अगर रिमाइंडर में कुछ भी ना बचे, तो यहाँ रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचा, देखिए 812 था, 2 से गया, 2 चौको, सॉरी 4 2 8
और यहाँ पे 12 हमारा कट गया, ठीक है, रिमाइंडर बच गया 0। तो यहाँ पे अब इसकी 4 बार पावर खोलेंगे तो 2 × 4 × 8 × 16, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 16, और 16 की अगर यूनिट डिजिट देखेंगे तो आ जाएगी 6, 16 की यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 6। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे भैया यूनिट डिजिट आ गई 6, तो अब हम देखेंगे इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो नंबर आएगा उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वही आपकी इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट होगी। बात समझ में आ गई ना, तो 7 × 9 = 63 × 6 = 36 और 6 × 3 = 18। तो 18 का जो 8 है ना, इस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका लास्ट नंबर 18 आएगा, तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी ना इस पूरे एक्सप्रेशन की वो 8 होगी। तो देखिए ट्रिक को लगा कर हम लोग कितना आसान कर लिया ना इस एक्सप्रेशन को, कितनी आसानी से हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया। तो भाई लोग इसी तरीके से ये यूनिट डिजिट हम लोग फाइंड कर सकते हैं बड़े ही आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है, फटाफट से आप लोग कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है, सेम टू सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, आपको एक्सप्रेशन यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, लिख दिया हुआ है 36 × 94 × 715 × 317 × आपको दिया है 841 × 491। आपसे पूछ रहा है इसकी यूनिट, इस एक्सप्रेशन की यूनिट डिजिट क्या होगी, ऑप्शन आपको दिया हुआ है ABCD, अनीता बसंती चंपा डॉली, आपको दिए हुए हैं 0, 2, 3 और 5, ये आपको दिया हुआ है भैया। तो आपको इस एक्सप्रेशन का बताना है यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से इसको करिएगा सॉल्व, और जिसका सॉल्व हो जाए वो कमेंट बॉक्स में फटाफट से आंसर लिख दीजिएगा, ताकि हमको पता चल जाए भैया आप लोग इंटेलिजेंट हो चुके हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं भैया आप लोगों की एक्सरसाइज की। ये तो थे हमारे कुछ एडिशनल क्वेश्चन, कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट, जिससे आपको नंबर सिस्टम की पूरी फील है, आपको पता चले हाँ नंबर सिस्टम है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ये थे पूरे कॉन्सेप्ट जिससे आपको नंबर सिस्टम की एकदम अच्छे से फील आएगी। अब हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 की, ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 की बात अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो हम ये ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन हमने कराए नहीं है आपके आगे मिलेंगे नहीं, ये आपको आगे भी मिलेंगे, टेंथ में भी आप इसी नंबर सिस्टम को रियल नंबर के नाम से पढ़ोगे वहाँ पे भी आपको ये सारे एक्सप्रेशन मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिए फटाक से। अब देखिए आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन उठाते हैं, तो एक्सरसाइज में जो 1.2 में जो पहला क्वेश्चन है ना आपकी बुक का NCERT का, वो बोला स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई द आंसर। आपको बताना है कुछ स्टेटमेंट दिए हुए वो ट्रू है कि फॉल्स है, उनका आंसर भी जस्टिफाई करना है। आपसे बोला है एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, यानी हर इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। तो आपको इस बारे में जानकारी है कि इरेशनल नंबर और रियल नंबर होते क्या हैं? नहीं जानकारी है तो आप लेक्चर नंबर फर्स्ट हमारा देखिए, उसमें हमने एकदम डिटेल में चर्चा की है। वैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नंबर नहीं होते हैं, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, सॉरी यहाँ ये होते हैं टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, मतलब टर्मिनेट करेंगे बट नॉट रिपीटिंग होंगे, ठीक है, नॉट रिपीटिंग, ठीक है, यानी कि टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग, यानी ये रिपीट नहीं करेंगे आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल इनकी भी कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगी, ऐसे नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर। और रियल नंबर जो होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है, जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए, थोड़ी सी बेसिक चर्चा, डिटेल में जाना तो लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग बढ़िया से, ठीक है। जिसने लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लिया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो फटाक से हमारे चैनल पर जाइए और देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट बोला एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो मैंने बोला कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, तो हम बोलेंगे यस, हमने क्या बोला यस, ये ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट कैसे है, क्योंकि भैया जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर का ही तो पार्ट है, इरेशनल नंबर रियल नंबर का ही तो पार्ट है, क्योंकि मैंने बोला रियल नंबर जो है
वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना हुआ है, तो इरेशनल किसका पार्ट है? रियल नंबर का पार्ट है। तो हम बोल सकते हैं हर इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? ट्रू। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑल रियल नंबर इज, सॉरी, ऑल इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, रियल नंबर बिकॉज इरेशनल नंबर इज पार्ट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। ये आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट था ये। अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट की जो स्टेटमेंट है वो बोल रही है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। आपसे बोला नंबर लाइन के एवरी पॉइंट पर। नंबर लाइन क्या होती है भैया? नंबर लाइन यही तो होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फाइनाइट तक, प्लस का -1, -2, -3, -4, -5 डैश डैश माइनस इन्फाइनाइट तक, यही तो होती नंबर लाइन। तो ये बोल रहा है हर नंबर पॉइंट, मतलब कि नंबर लाइन के हर पॉइंट को क्या हम लोग रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर रूट एम यहाँ पे क्या हो? नेचुरल नंबर। तो अगर हम लोग बात करें जीरो की, अगर हम लोग बात करें जीरो की, तो रूट जीरो करेंगे तो जीरो आएगा, इसको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें रूट वन की, तो रूट वन क्या है? वन ही रहेगा, यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। बात करें रूट टू की, तो इसकी वैल्यू होती है 1.414, ये कहीं यहाँ आएगा, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। रूट थ्री की इसी तरीके से बात करें, तो रूट थ्री क्या होता है? 1.732 ये वैल्यू होती है रूट थ्री की, तो इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ कहीं आएगा, तो इसको हम लोग नंबर पॉइंट पर डिनोट कर सकते हैं। रूट फोर की बात करें, तो यह होता है 2, जो कि नंबर लाइन पे हमको दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अगर m एक नेचुरल नंबर है, तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं। बट इसने बोला एवरी पॉइंट, नंबर लाइन के एवरी पॉइंट को क्या हम रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें माइनस वन की, तो अगर हम इसका अंडर रूट करेंगे, तो क्या भैया स्क्वायर रूट हमको हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा? मतलब निगेटिव वैल्यू देता है? नहीं देता है। अगर हम लोग स्क्वायर रूट की बात करेंगे ना, तो यहाँ पर बात आ जाएगी आयोटा की, जो कि इमेजिनरी होता है। ये आप हायर लेवल में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये आप लोग क्या करेंगे, हायर लेवल जब आप लोग 11th में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं इसके बाद नहीं कर रहा हूँ, 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, 11th क्लास में, तो आप इसको डीप में पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग क्या निगेटिव नंबर का रूट, निगेटिव नंबर को रूट के फॉर्म में, स्क्वायर रूट के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? एवरी पॉइंट को नंबर लाइन पे रूट एम के फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, और ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया सेकेंड पॉइंट इसका। चलिए पढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है हमसे, ओके। चलिए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं इसका। थर्ड स्टेटमेंट हमसे बोल रहा है एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ओहो, इसने क्या बोला हमसे कि एवरी रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर हो सकता है? चलिए भैया देखते हैं। हमने बोला एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, क्या बोला? इरेशनल। अभी हमने क्या पढ़ा था? इरेशनल, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, हाँ ट्रू है। लेकिन क्या हर रियल नंबर इरेशनल होगा? ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। हर रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता। देखिए कैसे, क्योंकि जो रियल नंबर होता है ना भाई, वो रैशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो हर रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं, सॉरी, इरेशनल नंबर नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें कौन से आते हैं? रैशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे ऑल इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, बट ऑल रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है कि हर रियल नंबर इरेशनल नंबर हो, क्योंकि उसमें रैशनल नंबर भी आते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया हमारा
स्टेटमेंट नंबर थ्री जो कि पूरी पूरी तरीके से फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट थे फॉल्स, एक स्टेटमेंट था ट्रू, ये आंसर हमने जस्टिफाई कर दिया, इसका रीजन भी दे दिया। चलिए आप लोग इसको अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर टू, देखिए क्या बोल रहा है। यहाँ पे आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू के बारे में। क्वेश्चन नंबर टू हमसे क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल। आपसे बोल रहा है क्या जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट इरेशनल होते हैं, ठीक है। इफ नॉट, अगर नहीं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। बस समझ, यानी कोई एग्जांपल ऐसा दीजिए जिसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर हो। तो यहाँ पे हमको बात करना है भैया कि हर स्क्वायर रूट किसी भी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो इंटीजर, ठीक है, हर पॉजिटिव इंटीजर यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। तो पॉजिटिव इंटीजर पहली बात क्या होते हैं, तो पॉजिटिव इंटीजर आपको पता है 1, 2, 3, 4 जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। 7, 8, 9 ये सब क्या पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर में तो 0 भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो लेकिन पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो ये सब क्या है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हम इनका स्क्वायर रूट करते हैं, रूट 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 1 आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, डेसिमल में आएगा, रूट 3 का करेंगे ये भी डेसिमल, रूट 4 का करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बोला हर जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं क्या वो सबका स्क्वायर रूट एक इरेशनल नंबर है, तो नहीं भाई लोग, ये सबका स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर नहीं है। वो केवल उन्हीं नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होगा जो नंबर क्या होंगे, जिनका स्क्वायर रूट पूरा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं आया ना, फिर से सुनिए। हमने बोला वही नंबर इरेशनल होंगे, वही नंबर के स्क्वायर रूट इरेशनल होंगे जो कि स्क्वायर रूट में आने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, जिनका अपना कोई परफेक्ट, जो कि स्क्वायर रूट में आने के बाद परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे कि रूट टू की अगर मैं बात करूँ तो रूट टू क्या परफेक्ट स्क्वायर है, इसको क्या हम आराम से यूज के बाहर ला सकते हैं, नहीं ला सकते, इसकी जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल में आएगी। अगर रूट फोर की बात करें तो ये क्या है, टू का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा, यानी इरेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि हर पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें रूट फोर की तो रूट फोर क्या है, टू का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी एक ये रैशनल नंबर। वन की बात करें तो वन क्या है, अपने आप में ही परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या होगा, वन है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, आप लोग बढ़िया से लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए भाई, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो जब आप कॉपी उठा के पढ़ेंगे तो आपको बढ़िया से समझ में आएगा। मेरा काम था कॉन्सेप्ट समझाना, हमने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया, ठीक है, आप लोग बढ़िया से इसको लिखिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो थ्री दिया, क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं भैया, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हम लोग रूट 5 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी आइए देख लेते हैं भैया। तो यहाँ पे रूट 5 को हमको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पे हम लोग एक थ्योरम का यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम होता है, पाइथागोरस थ्योरम। इसमें एक रेक्टेंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम है इस राइट एंगल ट्रेंगल के लिए ही अप्लाई होती है। तो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रेंगल के लिए जो पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी का मतलब पाइथागोरस थ्योरम, जो हाइपनट्यून्स होगा, ये देखो ये जो सबसे लंबी इसकी साइड दिख रही है ना, इसको बोलते हैं हाइपनट्यून्स। क्या बोलते हैं, हाइपनट्यून्स हिंदी में बच्चों बोलते हैं कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी में बच्चे इसको बोलते हैं लंब और इसको बोलते हैं बेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम देखें तो जो हाइपनट्यून्स होता है ना, इसको हाइपनट्यून्स नहीं बोलते, इसको परपेंडिकुलर बोलते, ये होती है हाइपनट्यून्स, ठीक है। तो जो यहाँ पे हाइपनट्यून्स होती है ना, इसका स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। इसका यूज़ करके हम लोग रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए हमने खींच ड्रॉ कर ली एक नंबर लाइन बढ़िया सी, 0
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से, ठीक है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस का फाइव, ठीक है, इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अब हम लोग भैया इसको रूट फाइव को हमको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो भैया एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई भी नंबर हो n जिसको नंबर लाइन पे डिनोट करना हो, अगर कोई नंबर n हो जिसको नंबर लाइन पे क्या करना हो बच्चों, डिनोट करना हो, तो हमको उस नंबर के एक कम नंबर का फैक्टर पता होना, मतलब स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर कोई नंबर n हो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तो उस नंबर के एक कम नंबर का स्क्वायर रूट हमको पता होना चाहिए। तो अगर हमको फाइव रूट फाइव को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है ना, तो हमको किसका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, इस नंबर के एक कम का, यानी n माइनस, अगर हमने मान लिया फाइव n की वैल्यू फाइव है, ठीक है, तो n माइनस वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर। तो फोर का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, टू, ठीक है, फोर का स्क्वायर रूट आ जाएगा टू। तो इसका रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो फोर का स्क्वायर रूट क्या आ गया, टू। तो टू हमारा नंबर लाइन पे यहाँ पे। अब हमने क्या किया, टू से एक वन यूनिट का, वन यूनिट का हमने क्या ले लिया है यहाँ पे, एक परपेंडिकुलर ले लिया। परपेंडिकुलर का मतलब जानते ना, एंगल देखिए यहाँ से कितना है, 90 डिग्री, ये ठीक है, एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया जो कि वन यूनिट का है। अब हमने क्या किया, इस जीरो से यहाँ से एक लेंथ ले ली, ये लेंथ हमारी क्या है, अब देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बन गया ना, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गई, यानी सबसे जो लंबी हमारी, सबसे जो बड़ी हमारी डिस्टेंस है वो क्या है, हाइपोटेन्यूज है। अब यहाँ पे ये हमारी जो बेस है ये कितना है, टू यूनिट है, हाइट है वन यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हमको पता है हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। तो अब हम लोग करेंगे, यहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर एंड बेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हम लोग बेस की जगह पर रखेंगे कितना, टू का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह पर रखेंगे वन का स्क्वायर, निकालना है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, तो एच पी का स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे। तो एच पी का स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा ये फोर प्लस वन यानी फाइव आ जाएगा, और अगर एच पी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगी अंडर रूट फाइव। तो ये जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हुई ना भाई लोग, ये हो गए अंडर रूट फाइव। अब यहाँ पे हम लोग काम करेंगे ज्योमेट्री का काम, यहाँ पे रखेंगे प्रकार, ये लेंथ करेंगे मेजर, और यहाँ से एक हम लोग लगा देंगे आर्क। तो जो आर्क लगाएंगे ना वो आर्क कुछ इस तरीके से लगेगी, तो यहाँ पे कहीं होगा आपका अंडर रूट फाइव, ठीक है, यहाँ पे कहीं होगा आपका अंडर रूट फाइव। तो आप लोग प्रकार से करेंगे ना, और क्यों यहाँ पे हमने आर्क लगाई, क्योंकि देखिए यहीं पे क्यों होगा अंडर रूट फाइव, क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग इस तरीके से यही लेंथ लेके आर्क लगाएंगे ना तो एक सर्कल बनेगा, जो ये रेडियस होगी वही, ये रेडियस होगी वही, ये वही, ये वही, ये पूरी रेडियस सेम होगी हमारा, यहाँ पे इस तरीके से डिनोट हो जाएगा, ठीक है। जब आप लोग कंपास और उसके स्केल की मदद से देखेंगे तो यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो इस तरीके से पता चल गया कि रूट फाइव को हम लोग किस तरीके से नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे आप लोग को इतनी बात समझ में आ गई ना, तो अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ हो गई। अब एक्सरसाइज 1.2 में देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, क्लासरूम एक्टिविटी है, तो इसको आप लोग करिएगा भैया, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी करिए, ठीक है। अगर आपको ये एक्टिविटी नहीं समझ में आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत हमको बता दीजिएगा, हम आपको तुरंत इसका सॉल्यूशन बता देंगे हमने नेक्स्ट लेक्चर में। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग मिलेंगे और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, और भी अच्छी चीज़ों के साथ, और भी अच्छी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस के साथ। तो आगे हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे ये जो नंबर लाइन है इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए, रिवाइज करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक।